हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी टोमेटो सूप। क्रीमी टोमेटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए, ये 250 ग्राम हमने टोमेटो लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, ये दो ब्रेड के स्लाइसेस है, 2 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 2 टीस्पून हमें वाइट बटर लगेगा, 1 टीस्पून शुगर है, ये धनिया पत्ती है कट करके ली है, 2 कप हमने मिल्क लिया है और फ्रेश क्रीम लगेगा हमें गार्निशिंग के लिए। तो आइए हम क्रीमी टोमेटो सूप बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टोमेटो को कट करके लिया है। अब हम ये कुकर में डालते हैं, बड़े पीसेस में कट करके लिया है। एक प्याज को भी हमने बड़े पीसेस में कट करके लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप आपके चॉइस के अनुसार, जैसा आपको पतला गाढ़ा चाहिए सूप, उस हिसाब से डालिए। मैं 3 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। 3 कप पानी मैंने लिया। अब हम इसे 3-4 सीटियाँ आने तक गैस पे रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें ब्रेड के स्लाइसेस करनी है, छोटे छोटे साइज के क्रूटॉन्स बनाने हैं इसके लिए, जो हम सूप में डाल के फ्राई करके सूप में डाल के पी सकते हैं। ये एकदम छोटे साइज के नहीं कर रहे हैं हम, थोड़े से ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये क्रूटॉन्स के पीसेस डालते हैं ब्रेड के, इसे हमें फ्राई करके लेना है। इस तरह से हमने ब्रेड के पीसेस को फ्राई करके लिया है। ये प्याज और टमाटर जो हमने बॉईल करके लिया है, इसे हम अभी मिक्सी में बारीक करके लेंगे। ये जो हमने मिक्सी में से निकाला है प्याज और टमाटर, उसे हम थोड़ा सा छाननी में से छान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने छान लिया है। ये टमाटर और प्याज के पेस्ट को हमने छाननी से छान लिया है। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून शुगर है, 1/2 टीस्पून नमक है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, ये 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और ये 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये इसमें मिक्स करते हैं। इसे अच्छे से बॉइल्ड होने देते हैं। और सॉस बनाने के लिए हमने 2 टीस्पून बटर डाला है। अब इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लावर को अच्छे से भूनेंगे। कॉर्नफ्लावर अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करेंगे। यह हमारा कॉर्नफ्लावर भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हैं। मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि लम्स नहीं होने चाहिए।
हमें एकदम पतला व्हाइट सॉस बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाइट सॉस बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। ये जो टोमेटो सूप हमने बॉयल होने के लिए रखा था, वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसका भी गैस हमने ऑफ कर लिया है। तो अब हमें इसमें व्हाइट सॉस मिक्स करना है। दो, ये गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर लिया है और अब हम इसमें ये व्हाइट सॉस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसे डाल सकते हो, कम ज़्यादा। ये मैं इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। इसे सिर्फ अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा क्रीम स्टाइल टोमेटो सूप बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे और थोड़ा उसके ऊपर फ्राइड किया हुआ ब्रेड क्रूटॉन्स डालेंगे। हमने इसे फ्रेश क्रीम और क्रूटॉन्स से गार्निश किया है और थोड़ा सा उसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्रीमी टोमेटो सूप बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।